जो बेसिक प्लान के अंदर नंबर ऑफ डेज मिनिमम 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन और 180 दिन लिए जा सकते हैं। लेकिन जब आप एनहांस प्लान की बात करेंगे तो यह 90 डेज, 120 दिन और 180 दिन आप चूज कर सकते हैं, ऐसा इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। 30 दिन का मतलब समझ लीजिए पूरे साल में 30 दिन, 90 दिन का मतलब समझ लीजिए पूरे साल में 90 दिन। कोई एक साथ 90 दिन एडमिट हो जाए, कोई 2 दिन करके हो, 5 दिन हो, 4 दिन हो, 1 दिन हो, ऐसे ऐसे करके भी आप काउंट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग पूरे साल में इतने दिन तक ही आप हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों 90 दिन भी बहुत होते हैं और 30 दिन भी बहुत होते हैं, आप जो ऑप्शन लेना चाहें। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टार हॉस्पिटल कैश पॉलिसी के बारे में। दोस्तों ये ऐसी पॉलिसी है, अभी तक जो आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते थे वहां पर आपका खर्चा होता था, लेकिन जब आप हॉस्पिटल कैश पॉलिसी की बात करेंगे तो ये आपको अर्निंग कराने वाली पॉलिसी है। हाँ दोस्तों, शायद आपके कानों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन इस पॉलिसी के थ्रू जो आपका हरासमेंट हो रहा है, जो आपका टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से आप नौकरी से, जॉब से, बिजनेस से छुट्टी लेके अपने टेकिंग केयर करने के लिए, अपने पेरेंट, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए पॉलिसी अवेलेबल है जिसका नाम है हॉस्पिटल कैश पॉलिसी। इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा इसको लेने से फायदा कितना है। इससे आपको अच्छा खासा बढ़िया कंपनसेशन मिलेगा और आप अपने परिवार का या अपने लिए खुद का बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस से इलाज करा पाएंगे और हॉस्पिटल कैश से अर्निंग कर पाएंगे। ऐसी शानदार वर्किंग मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। दोस्तों मेरा नाम योगेंद्र वर्मा, मैं हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट और मेरा काम लोगों को वैल्यू एडिशन करना है, कुछ ना कुछ लेटेस्ट अपडेट वाली चीजें बताते रहना है जिससे आपके घर में कुछ ना कुछ अपडेशन होती रहे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन जरूर जरूर क्लिक करिएगा, तभी सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बात कर लेते हैं ये पॉलिसी कौन लोग ले सकते हैं और कौन लोग नहीं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यह पॉलिसी 18 साल से लेकर 65 साल तक का कोई भी पर्सन इंडिविजुअल या फैमिली के साथ ले सकता है। फैमिली में मैक्सिमम 3 बच्चे कवर हो सकते हैं, 91 डेज से लेके 25 ईयर्स तक। 2 एडल्ट हो, 2+1 हो, 2+2 हो या 2+3, कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को इजीली ले सकता है। बात कर ले तो यहाँ पर 1 साल, 2 साल और 3 साल की पॉलिसी मिलती है। यहाँ पर 2 तरह के प्लान आते हैं, पहला प्लान बेसिक आता है और दूसरा एनहांस प्लान आता है। दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में भी बताऊंगा। बेसिक प्लान के अंदर 3 सम इंश्योर्ड के ऑप्शन आते हैं, 1000, 2000 और 3000। जब आप एनहांस प्लान लेते हैं तो उसमें अगेन 3 ऑप्शन आते हैं, 3000, 4000 और 5000। दोनों प्लान में डिफरेंस क्या है पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। जो बेसिक प्लान है, जब भी आप बेसिक प्लान लेंगे और 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो सिर्फ 4 दिन का पैसा ही मिलेगा, क्योंकि ये सिस्टम है किसका, बेसिक प्लान का। लेकिन जब आप एनहांस प्लान लेते हैं और मान लीजिए 4 दिन के लिए एडमिट होते हैं तो आपको पूरे 4 दिन का पैसा यहाँ पर मिलेगा, जितने दिन भी आप एडमिट है। मान लीजिए 3000 रुपए पर डे का ऑप्शन लिया है तो 4 दिन का 12000 रुपए आपको मिलेगा। ये एनहांस प्लान में होता है, बेसिक प्लान में 1 दिन का पैसा नहीं मिलता है, वो भी पहले दिन का नहीं मिलता है, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, जो बेसिक प्लान के अंदर नंबर ऑफ डेज मिनिमम 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन और 180 दिन लिए जा सकते हैं। लेकिन जब आप एनहांस प्लान की बात करेंगे तो यह 90 डेज, 120 दिन और 180 दिन आप चूज कर सकते हैं, ऐसा इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। 30 दिन का मतलब समझ लीजिए पूरे साल में 30 दिन, 90 दिन का मतलब समझ लीजिए पूरे साल में 90 दिन। कोई एक साथ 90 दिन एडमिट हो जाए, कोई 2 दिन करके हो, 5 दिन हो, 4 दिन हो, 1 दिन हो, ऐसे ऐसे करके भी आप काउंट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग पूरे साल में इतने दिन तक ही आप हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों 90 दिन भी बहुत होते हैं और 30 दिन भी बहुत होते हैं, आप जो ऑप्शन लेना चाहे आप ले सकते हैं, इट्स योर विश। बात कर ले तो यहाँ पर किन किन चीजों के लिए आप बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों किसी भी चीज के लिए जिसमें भी हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है, जब तक आप 24 घंटे एडमिट नहीं होंगे पॉलिसी काम नहीं करेगी। ये बेसिक थंब रूल है, जो 3 यूनिवर्सल रूल होते हैं, 24 घंटे एडमिट होना जरूरी। नंबर 2, आपका एक्सीडेंट की वजह से एडमिट होते हैं तो भी डे 1 से कवर है, और पहले 30 दिन किसी बीमारी के लिए क्लेम नहीं मिलता है। जो डे केयर प्रोसीजर्स है वो 2 साल के बाद कवर होंगे, पुरानी बीमारी मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे
कवर होगी। बात कर लेते हैं, जब हम लोग कवरेज की बात करें तो तीनों चीज मैंने आपको बताई, दोनों का डिफरेंस आपको बताया। बेसिक में पहले दिन का पैसा नहीं मिलता है, एडवांस में पहले दिन से पैसा मिलता है, ये मेन फीचर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जब हम बात करेंगे कोई भी नॉर्मल हॉस्पिटलाइजेशन होगा, नॉर्मल मतलब नॉर्मल किसी भी नॉर्मल रूम में आप एडमिट होते हैं तो पर डे के हिसाब से अगर 5 दिन एडमिट है, बेसिक प्लान लिया है तो 4 दिन का पैसा मिलेगा। एनहांस प्लान लिया है, 5 दिन एडमिट हुए तो 5वें दिन का पैसा मिलेगा। सिंपली अगर एक्सीडेंट की वजह से एडमिट होते हैं तो बेसिक प्लान के अंदर 150% मिलेगा और एनहांस प्लान में भी 150% मिलेगा। मान लीजिए 5000 रुपए आपने पर डे का अमाउंट चूज किया है तो 7500 रुपए पर डे के हिसाब से पैसा मिलेगा। ये आपका एक्सीडेंटल कैश में होगा जब एक्सीडेंट की वजह से आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, और अगर एक्सीडेंट की वजह से या नॉर्मल बीमारी की वजह से आप आईसीयू में एडमिट होते हैं तो आईसीयू केस में 200% आपका पर डे का पैसा मिलेगा। अगर 5000 पर डे का ऑप्शन लिया है तो 10000 रुपए पर डे मिलेगा। ये मैं आपको पता होना चाहिए जो कि बहुत यूजफुल है। बात कर लेते हैं कन्वेलेसेंस हॉस्पिटल कैश, ये बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर आप कभी भी किसी इमरजेंसी में 5 दिन से ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो ये फीचर सिर्फ और सिर्फ एनहांस प्लान में मिलेगा, जिसमें 1 दिन का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। ये बेसिक प्लान के अंदर ये फीचर नहीं होता है। आपने 5000 पर डे का लिया है, 5 दिन 6 दिन आप एडमिट हो गए तो आपको 7 दिन का 5000 रुपए के हिसाब से मिलेगा। ये इसका एडवांस फीचर होता है। नेक्स्ट बात कर ले चाइल्ड बर्थ हॉस्पिटल कैश, ये फीचर भी आपको बेसिक प्लान में नहीं मिलेगा, ये भी एनहांस प्लान के अंदर फीचर है। जिस दिन भी बर्थ होता है तो उस दिन का पैसा आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 2 साल वेटिंग पीरियड रहेगा। जो डिलीवरी एक्सपेंसेस है, डिलीवरी वाले जो खर्चे हैं, 2 साल के बाद कवर होते हैं। जितने दिन भी आप एडमिट रहेंगे पर डे के हिसाब से आप इसमें चूज कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। वर्ल्ड वाइड कैश, यस वर्ल्ड वाइड कवर है। अगर वर्ल्ड वाइड किसी हॉस्पिटलाइजेशन में एडमिट होते हैं तो बेसिक प्लान में कवर नहीं होगा, एनहांस प्लान में कवर होगा। जितने दिन भी आप रहेंगे 200% के हिसाब से मिलेगा। 5000 अगर पर डे का ऑप्शन लिया है तो 10000 पर डे तक का आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। ये वर्ल्ड वाइड ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, चाहे बीमारी हो, एक्सीडेंट हो, कुछ भी आप यहाँ पर अवेलेबल क्लेम कर सकते हैं। किसी तरह का कोई इफ एंड बट नहीं है। नेक्स्ट बात कर लें तो डे केयर प्रोसीजर, 2 साल के बाद कवर होते हैं। स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल्स, गाइनी शो, जॉइंट रिप्लेसमेंट, पहले 2 साल किसी भी प्लान में कवर नहीं होगा। 2 साल के बाद ही कोई डे केयर प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है, आप दोनों प्लान में क्लेम कर सकते हैं। डिस्काउंट ऑन प्रीमियम, अगर आप फैमिली मेंबर्स के साथ इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं तो 10% तक का डिस्काउंट आप ले सकते हैं। क्लेम प्रोसीजर बहुत सिंपल है, सारी चीजों के लिए हम लोग गाइड करते हैं। और इनिशियल वेटिंग पीरियड मैंने आपको बताया, पहला 30 दिन जब आप नया पॉलिसी लेते हैं, दूसरा 24 महीने जब आप कोई स्पेसिफिक डिजीज की बात करते हैं, स्लो ग्रोन डिजीज बोलते हैं, स्टोन, कैटरेक्ट, हर्निया, रसौली, पाइल, पहले 2 साल क्लेम नहीं मिलते। और अगर कोई पुरानी बीमारी है तो पुरानी बीमारी अगर बेसिक प्लान है तो 36 महीने के बाद कवर होगा, और अगर एनहांस प्लान लेते हैं तो 24 महीने के बाद आपका पुराना बीमारी कवर होगा। टैक्स बेनिफिट की बात करें दोस्तों, 80D के अगेंस्ट टैक्स बेनिफिट यहाँ पर क्लेम आप कर सकते हैं, और प्रीमियम बहुत ही सस्ता रहता है, पूरी फैमिली के लिए आप क्लेम कर सकते हैं, बहुत ही यूजफुल है। आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ हॉस्पिटल कैश पॉलिसी साथ में लेनी चाहिए। ये आपको अर्निंग कराने वाला पॉलिसी है जो आपके लिए बहुत यूजफुल पावरफुल रह सकता है, और इस पर जरूर जरूर ध्यान देना चाहिए। यदि अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट करके जरूर जरूर बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं। और जो लोग भी ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे प्लान लेना चाहते हैं हमें कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा, थैंक यू।